कंगना रनौत से रिश्तों पर ऋतिक रोशन ने पहली बार रिएक्शन दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक फेसबुक पोस्ट किया, इसमें उन्होंने कहीं भी कंगना का नाम नहीं लिखा, लेकिन कहा ये सही है कि मैंने उस लेडी के साथ काम किया, लेकिन कभी कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं की। इस सेक्टर के मुताबिक उन्होंने इस लेडी के साथ दो फिल्मों में काम किया है, इसके अलावा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें कि ऋतिक ने कुछ दिनों पहले कंगना के खिलाफ 29 पेज की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एक प्रेस की बहन रंगोली ने ऋतिक पर तानस कसे थे। मीडिया सच्चाई से दूर दैश ऋतिक ने आगे लिखा, मैंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया, विवादों से भी दूर रहा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह झूठ को सच मानकर मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं किसी आरोपी या अफेयर के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, ना ही मैं गुड बॉय इमेज के लिए बच्चों की तरह पेश आ रहा हूँ। अपनी गलतियाँ जानता हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। सगाई का कोई सबूत या गवाह नहीं। दैश कंगना ने दावा किया था कि जनवरी 2014 में उन्होंने पेरिस में ऋतिक से सगाई की थी। इस पर ऋतिक ने कहा ये सरासर झूठ है, उसके पास कोई फोटो कोई सबूत या गवाह नहीं है, कथित एंगेजमेंट की कोई सेल्फी तक नहीं है, जिसे वो 7 साल की रोमांटिक रिलेशनशिप बता रही है उसका एक भी सबूत उसके पास नहीं है। दैश इस एक्टर ने आगे कहा हम दूसरी पार्टी पर सिर्फ यह सोचकर यकीन कर लेते हैं कि एक लड़की आखिर झूठ क्यों बोलेगी। मेरे पासपोर्ट की डिटेल साफ तौर पर यह बता रही है कि 2014 में मैं देश से बाहर गया ही नहीं। देश हमारी इस सो कॉल रिलेशनशिप का इकलौता सबूत यह फोटोशॉप फोटो है जिसे मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। हालांकि उसकी भी हकीकत अगले ही दिन मेरी एक स्वाइप और दोस्तों ने साफ कर दी थी। मेरे पास 3000 वन साइडेड मेल, देश ऋतिक ने आगे लिखा, मेरे पास करीब 3000 एक तरफा मेल है जो मैं खुद को तो भेजूंगा नहीं, ये मेल मुझे उसने भेजे। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कुछ ही दिनों में इस बात को क्लियर कर देगा कि वो मेल आखिर मुझे किसने भेजे। मैंने साइबर क्राइम सेल को मैं अपनी सभी डिवाइस सौंप दिए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी इस मामले से बचने के लिए अभी तक गायब है, जांच अभी बंद नहीं हुई है। मुझे 4 साल से टाई अर्चर किया जा रहा है। दैश ऋतिक के मुताबिक मुझे इस मामले में 4 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। लोग सोशल बायस धोकर एक महिला का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं। मैंने कभी किसी पुरुष या महिला से कभी झगड़ा नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे डिवोर्स के वक्त भी मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सच परेशान होगा तो फिर पूरा समाज परेशान हो जाएगा। दोनों के बीच विवाद क्यों? दैश एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया था कि क्या उन्हें ऋतिक ने आशिकी टीम से बाहर कराया। इसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा था हाँ मैंने भी ऐसी बातें सुनी है, मुझे नहीं पता कि सिल्ली एक्स पार्टनर्स पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। इसके बाद ऋतिक ने ट्वीट कर कहा था कि इस एक ट्रेस की बजाय उनका पोप से अफेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी के बाद से दोनों के बीच विवाद है। ऋतिक ने कंगना के इसी बयान को लेकर नोटिस भेजा था। ऋतिक ने हैकिंग और कंगना के खिलाफ सबूत सौंपे थे, इसमें ज्यादातर ईमेल हैं। दैश ऋतिक और कंगना दोनों यह दावा करते रहे कि उनके ईमेल अकाउंट हैक हुए थे। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने नवंबर 2016 में जांच के बाद इस मामले को यह कहते हुए क्लोज कर दिया था कि इसमें न तो किसी की जीत हुई और न ही किसी की हार। दैश इसके बाद सितंबर 2017 में सिमरन की रिलीज से पहले कंगना ने एक निजी टीवी चैनल पर ऋतिक रोशन पर एक बार फिर कई आरोप लगाते हुए इस मामले को हवा दी।